जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं आपका भाई मिशर शुद्ध। इस 5 मिनट की वीडियो में आपको आज 4 चीजें पता चलने वाली है। पहला, व्हाट इज न्यू व्हीकल एक्ट। दूसरा, आखिर क्यों भारत के ट्रक ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा, और इन सब चीजों में पेट्रोल क्यों बंद हो रहे हैं, यानी पेट्रोल पंप क्यों बंद हो रहे हैं और महंगाई क्यों बढ़ रही है। चौथा, क्या ये एक्ट सही है या फिर गलत। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये एक्ट सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स पर लागू नहीं होता, बल्कि आपकी कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कोई भी व्हीलर हो, ये एक्ट सब पर लागू होता है। इस एक्ट में अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है और आप वहां से अपनी गाड़ी भगा लेते हैं, तो आपको 10 साल तक की जेल और 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं आप अगर उस जिस व्यक्ति को आपकी एक्सीडेंट हुआ है, जिस व्यक्ति से आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो आपकी सजा कम होगी। मगर इससे सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही क्यों नाखुश है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है और वे लोग अपनी नींद और थकान दूर करने के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, जिसके कारण नशे की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, उनके पैर में पेन ना हो इसलिए वे एक्सीलेटर पर ईट रख लेते हैं, जिसके कारण ट्रक में सही टाइम पर ब्रेक नहीं लग पाता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। देखो भाई, मैं सारा ब्लेम ट्रक ड्राइवर्स पर नहीं डाल सकता। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के तो करता नहीं, सामने वाले की भी गलती हो सकती है। वो सिर्फ ट्रक से ही नहीं, अगर किसी भी व्हीकल से एक्सीडेंट होता है और सामने वाली व्यक्ति की डेथ होती है और या फिर उसे ज़्यादा चोट लगती है, तो वहाँ पर अगर तुम गाड़ी रोक रहे हो तो वहाँ पर जो भीड़ है वे तुम्हें अधमरा या पूरा ही मार देगी। और अगर तुम गाड़ी वहां से भगा लेते हो तो देन 7 लाख का जुर्माना भरो और 10 साल की जेल की सजा काटो। तो फिर बंदा करे तो क्या करे, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। इसलिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मगर इसका भी सॉल्यूशन है, वीडियो को पूरा देखो आपको पता चल जाएगा। मगर इससे पेट्रोल पंप बंद और महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब भाई जाहिर सी बात है, मैक्सिमम चीजों की जो ट्रांसपोर्टेशन वन स्टेट टू अनदर है वो ट्रक से ही होती है, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है। अब ट्रांसपोर्टेशन ही रुक जाएगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना, जब डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हो रहे हैं, तो इस पेट्रोल पंप को बंद किया जा रहा है, ठीक है। मगर चलिए सब चीज ठीक है, मगर क्या ये एक्ट सही है या फिर गलत? देखिए, ये वेल प्लान्ड बिल है जो पास किया जा रहा है। आज से अप्रोक्स 2-3 हफ्ते पहले अमित शाह ने एक बिल पास करवाया था, जिसमें अगर आप किसी के साथ मोब लिंचिंग करते हो, यानी आप भीड़ के साथ किसी को भी मार देते हो, तो आपको मिनिमम 10 साल की जेल और मैक्सिमम फांसी भी हो सकती है। तो अगर हम दोनों बिल को इंटरकनेक्ट करके देखें, तो अब आपको अगर किसी से एक्सीडेंट होती है और आप उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकते हैं, तो आपको भीड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर यार, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही होने लगा तो इंडिया सारी चीज़ों में दुनिया की नंबर 1 कंट्री होती। मगर रिटन लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अंतर होता है। वैसे पहले तो ये हिट एंड रन करते हो, तो इसकी ज़्यादा 2 साल थी। तो कुल मिला के अगर सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले तो ये बिल्कुल सही बिल है। मगर असली लाइफ में जब तक ये कुछ भ्रष्ट नेता और कुछ घूसखोर पुलिस वाले हैं, तो इस बिल ये सब कुछ गलत होगा इस बिल से। अब वैसे इस बिल पर प्रेसिडेंट की मुहर तो लग चुकी है, बस सरकार को नोटिफाई करना है कि कब इस बिल को पास करना है। धन्यवाद।
अरे रुको, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना।